सुबह सुबह का मौसम ना आज बड़ा प्यारा है। सुबह नमाज के टाइम ना बारिश हुई है, शुक्र है अब बारिश थम गई है। और मौसम बड़ा प्यारा है, ठंडा ठंडा क्लाउडली सा। तो मैं फ्रीद को तैयार करने लगी थी, मैंने कहा कि पहले आप लोगों को मैं मौसम का व्यू दिखा दूँ, कितना प्यारा मौसम है। चलो अपना बैग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जी सुबह हो गई है और प्री स्कूल चला गया है, हम नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं। नाश्ते में जी कल मैंने जो दाल बनाई थी ना, उसको मैं प्याज फ्राई करके, टमाटर वगैरह मसाला बना के उसमें एग मैं फ्राई करके, तो फिर उसमें दाल डालूंगी। यानी कि दाल को दोबारा से तड़का लगा रही हूँ, सुबह सुबह उसको फ्रेश कर रही हूँ। यानी कि तो इस तरह से ना, फिर मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पसंद है, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि जैसे उनको पसंद है ना, तो वैसे ही मैं उनको ना नाश्ता बना के दूँ। तो नाश्ते में ये ना मैं इस तरह से दाल को, ये देखे मैंने बना दिया, और बहुत टेस्टी और बहुत ही मज़े की ऐसे लगती है आगे इसके अंदर शामिल करके। तो फिर हमने चाय पीनी थी, चाय के साथ जी स्वीट दी है सबको। कल जी मेरे हस्बैंड जी लेके आए हैं बाइक, उसकी खुशी में हमने सबको ना जो है वो स्वीट खिलाई है और मोहल्ले में भी तकसीम की है। तो मेरा देवर जी इधर से ले रहा था, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मैं कौन सा पीस इधर से उठाऊं। तो बाद में जी हम हिबा को लेके गए हैं हॉस्पिटल। हिबा की तबीयत जो है ना, वो रात से बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसको मोशन लगे हुए हैं और देखे कितनी निडाल हो गई है। इधर हम घर वापस आ गए थे और आते हुए हिबा सो गई थी। ये देखिए इसका कलर भी कितना फीका पड़ा हुआ है। तो मेडिसिन हमने ले ली थी और एक इंजेक्शन लगाया इसके, ये वाली मेडिसिन दी है। और जाते इतनी बारिश हो रही थी, और आते भी बारिश में हम गए हैं और बारिश में ही आए। ये देखिए दवाइयाँ भी जो है ना वो भीग गई हैं। तो फिर ना मैंने उसको सला के, तो मेरे खुद के सर में बड़ी पेन हो रही थी, तो कुछ सर्दी सी थी, ठंड ठंड सी लग रही थी। और फिर मैंने चाय पी है, तो चाय बना के तो पीने के बाद मैंने फिर ना, बाहर बारिश हो रही थी, फिर मैंने गैस के ऊपर ही मैंने ये कलेजी रखी है पकने के लिए दोपहर के लिए ना। तो फिर कलेजी पकाने के बाद बच्चे आ गए थे, फ्रीद आ गए थे स्कूल से, और ये देखे बारिश में खेली जा रहे हैं और इतनी बारिश हो रही है। तो मैंने फिर इन्हें कहा कि कम घर आ जाओ ना, सारे बच्चे भीग गए। और हिबा फिर उठ गई थी और फरीद उसको झूले दे रहा था। जब से बच्चे आए हैं ना मेहमान, तो झूले से काफ़ी झूले जो है ना वो झूले लेते रहते हैं और इंजॉय करते हैं। तो हिबा कह रही थी मुझे झूले ना दो, मैं खुद ही ले लूँ, क्योंकि उसकी तबीयत नहीं ना ठीक थी, तो वो फिर उसको नहीं अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग गए हैं जी आज बुध बाज़ार। बुध बाज़ार हमारे पास ही लगता है। तो हमने ना लेने थे हिबा के लिए, मैंने कुछ लेने थे ड्रेस इस तरह से ना लॉन के, तो मुझे ये ड्रेस अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर ना इसका एक साइड पे कलर जो ना वो डिफरेंट था, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। इस तरह से रेडीमेड कपड़े भी वहाँ पे मिलते हैं, और ये इस तरह से मिल्की लेस भी मुझे ना बहुत पसंद है ना कपड़ों पे लगी हो तो, और रेट भी इनके बहुत मुनासिब थे। लेकिन मैंने ना दूसरी शीटल लेस लेनी थी अपनी नंद के कमीज़ के नीचे लगाने के लिए, इस तरह की लेस है। तो फिर हमने वहाँ से लेस ख़रीदी है और फिर आगे आ गए हैं। यहाँ पर भी ना कुछ कपड़े लगे हुए थे बच्चों के, तो ये भी मुझे पसंद आए थे, लेकिन आज ना हिबा के बाबा नहीं थे साथ, तो फिर मैंने नहीं लिए। हम मेरी नंद, मैं और अम्मी गए थे बस बाज़ार। तो वहाँ से शॉपिंग करने के बाद हमने जी फालसा ख़रीदना था, जो कि मुझे बहुत ही पसंद, मेरा फेवरेट है, तो मैंने फालसा ख़रीदा है। उसके बाद जी छात्र तरबूज पड़े हुए थे, लेकिन हमने सिर्फ फालसा ख़रीदा। और हम घर आ गए थे, भिंडियाँ ली थी पकाने के लिए, आते जल्दी से भिंडियाँ वॉश की हैं, काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि भिंडियों को धो के फिर रखना होता पड़ता है, तो बड़ा मुश्किल हो जो है ना वो फिर इसको उसकाना होता, इसलिए हमें ऐसा कर रहे थे। फिर ना फ्रीद की टीचर आई थी फ्रीद को छोड़ने के लिए घर, तो मैंने उसे को जो कल टमाटर तोड़े थे वो मैंने उसे टमाटर दिए, मैंने कहा कि चले ख़राब ही होंगे, उनका गुजारा हो जाएगा।